आज की रेसिपी बहुत खास है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी, जो कि छठ पूजा के प्रसाद में बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह मैं बताने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बना करके लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। आप इसे एक तरह से हेल्दी भी बोल सकते हैं फ्रेंड, और टेस्टी तो ये देख के ही लग रहा होगा फ्रेंड्स कितना टेस्टी बना है। हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इसे मैदा नहीं आटे से बनाने वाली हूँ, और चीनी नहीं गुड़ इस्तेमाल करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ रेसिपी, वो भी गुड़ वाली और घी वाली, जो कि पूजा में उसी तरह बनाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं 2.5 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। और आटे में मोइन डालने के लिए मैं घी इस्तेमाल करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये छठ पूजा स्पेशल प्रसाद है। तो ये घी को सबसे पहले गरम कर लेंगे फ्रेंड्स, और गरम घी को आटे में दे देंगे, और इस तरह से आटे में घी को मिक्स कर लेंगे। घी थोड़ा गर्म रहता है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस थोड़ा संभाल के कीजिएगा, और अच्छे से आटे में मोइन को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मुट्ठी बन रहा है, मोइन एकदम परफेक्ट पड़ा है। अब इस आटे में फ्रेंड्स, ये सूखा नारियल छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, उसे दे देंगे। किशमिश दे देंगे, और ये बड़ी सौंफ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स ठेकुआ में। अब गैस पे एक बर्तन में फ्रेंड्स 1/2 कप पानी गर्म होने दे देंगे, और उसमें ये 1 कटोरी गुड़ दे देंगे, और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसे बॉयल नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ गर्म पानी में गुड़ मेल्ट हो जाएगा बस। और ये देखिए, अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे, और अब आटा को अच्छे से हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे, और उसमें ये गुड़ का पानी जो बना कर रखे हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके देंगे फ्रेंड्स, एक ही बार में पूरा नहीं देंगे। और अब इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है इस तरह से फ्रेंड्स। और अब इसमें बाकी बचा हुआ गुड़ का पानी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब दोनों हाथ में फ्रेंड्स, या फिर आप एक हाथ से भी बना सकते हैं, छोटा छोटा लोई लेकर के इस तरह गोल गोल बना लेंगे। मैं इसे 3 टाइप से ठेकुआ बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। साचा है तो आप साचे पे रख करके बना सकते हैं, और अगर आपके पास साचा नहीं है फ्रेंड्स तो भी आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। और इसी तरह से सभी गोली को एक साइज में बना लिए हैं, और ये ठेकुआ बनाने का साचा है फ्रेंड्स, ये गोल वाला और ये लंबे साइज वाला। तो आप किसी में भी डिजाइन बना सकते हैं। ये मैं पहले लंबे वाले में बना रही हूँ। इसमें थोड़ा तेल स्प्रेड कर देंगे ताकि ठेकुआ चिपके नहीं, इस तरह से। अब लंबे वाले बना रहे हैं तो इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद इस तरह साचा पे रख करके हथेलियों से दबा देंगे थोड़ा। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन के तैयार हो गया। अब दूसरा भी सेम उसी तरह से फ्रेंड्स, इस तरह लंबे में कर लेंगे, और साचे पे रख करके हथेलियों से दबा देंगे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब गोल वाला बनाना शुरू करते हैं। उसी तरह से तेल थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, और इस तरह से इसमें राउंड ही रखेंगे, और हथेलियों से दबा देंगे। और ये देखिए बन गया गोल वाले ठेकुआ। और अब अगर साचा नहीं है फ्रेंड्स तो आप इस तरह से हथेलियों में रख करके लोई उसको दोनों हथेलियों से दबा दीजिए, तो इस तरह बन जाएगा, डिजाइन नहीं आएगा। लेकिन ऐसे भी आप फ्राई करेंगे तो ठेकुआ के टेस्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये सभी को बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब फ्राई करते हैं। गैस पे कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए दे दिए हैं फ्रेंड्स। अब उसमें एक एक करके ठेकुआ को डाल देंगे। जितना घी है कढ़ाई में उसके हिसाब से ही ठेकुआ को डालेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और गैस का फ्लेम हम लोग लो पे ही रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स अभी।
और अब इसे दूसरे साइड में पलट देंगे। एक साइड में पूरी तरह से ब्राउन होने का वेट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इस ठेकुआ को उलट पुलट के ही फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चा नहीं रहे और दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए, दो से तीन बार हम लोग पलट पलट के ठेकुआ को ब्राउन कलर कर लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। और अब इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और प्लेट में एक टिश्यू पेपर रख के निकाल लेंगे। अब चलिए दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए दूसरा बैच भी फ्राई होके तैयार हो गया और ये रेडी हो गया फ्रेंड, छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ।